हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं, जो कि लाडली बहना योजना की ओर से आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि है कि आपका आपका आवेदन ऑनलाइन आवेदन है और सब कुछ है, पात्र है, DBT लिंक है और आपको सेकंड मैसेज नहीं आया है, जो कि किस प्रकार का मैसेज रहने वाला है वो मैसेज नहीं आया है। तो आपको क्या, आपका आवेदन पात्र अपात्र हो गया है, आप अपात्र हैं, आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, क्या कारण है, आपको पैसा मिलेगा या नहीं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा सेकेंड मैसेज है और किसको आया है, किसको नहीं और किस कारण से वो मैसेज नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कौन सा मैसेज आया है, जो कि पात्र महिला और जिनका पैसा 10 तारीख को डलने वाला उन्हीं को आया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैसेज है इस प्रकार है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तरफ से, जो उसका नाम, पति का नाम और योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है, आपको बताते हुए बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके सभी दस्तावेज की जानकारी सही पाई गई है और जल्द ही आपको पहली किस्त DBT बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या इसमें आपको भेज दी जाएगी, आपका शिवराज सिंह चौहान। तो आपको अगर ये सेकेंड मैसेज नहीं आया है तो उसका कारण क्या है, क्या आप अपात्र हैं या आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, क्या कारण है, चलिए आपको बताते हैं आगे डिटेल में। तो उसका कारण यह है कि आपको अगर ये सेकंड मैसेज नहीं आया है तो हो सकता है आपका जो है अभी साइड अपडेट हुई है और जिनका DBT लिंक हो गया है, वे अपने बैंक में जाकर उनने करवा लिया है तो उनका जो है अपडेट हो गया, उनको मैसेज आ चुका है। जिनका भी DBT लिंक नहीं है उनका मैसेज अभी सेकेंड मैसेज नहीं आया है। और इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जब ऑनलाइन आपने आवेदन कराया था तो सचिवों के पास एक ऑप्शन आता है जिसमें रहता है आप अपना व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन चाहते हैं या नहीं, चलिए आपको वो ऑप्शन बता देते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे क्या उपरोक्त मोबाइल नंबर ही व्हाट्सएप ऐप नंबर है, अगर यहाँ पे सचिव, आपके सचिव ने या जो वार्ड प्रभारी उन्होंने अगर यहाँ पे क्लिक किया है तो ही आपको मैसेज आया। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे साइट पे अपडेट ही नहीं है, लगा ही नहीं है तो आपको मैसेज कैसे आ जाएगा। तो आपके दो कारण हैं कि जो पहला है कि आपका DBT लिंक नहीं है, इस कारण से आपको मैसेज नहीं आया है, और दूसरा ये है कि आपने सचिव को जो ऑनलाइन आवेदन किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अन्य मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं, आप हाँ या नहीं, आप कोई मोबाइल नंबर वहां पे दर्ज भी करवा सकते थे। तो इस प्रकार आपका जो है, इस कारण से आपका जो है मैसेज, सेकंड मैसेज नहीं आया है। तो दोनों का, अगर आपको मैसेज नहीं आया तो आपका कौन सा क्या मतलब गलती है आपकी, वो किस प्रकार चेक करें, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि आपका अगर मैसेज नहीं आया है तो आपने क्या गलती कर रखी है जिस कारण से आपका मैसेज नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।